किसी भी नंबर का पावर 0, 1 लिखा रहता है बुक में, ऐसा क्यों होता है ये देखेंगे आज। जैसे आप बुक देखेंगे तो किसी बुक में ऐसे लिखा रहेगा, 2 to the power 0 को भी 1 लिखा रहेगा, -1 का पावर 0 रहेगा उसको भी 1 लिखा हुआ रहेगा। तो सारे नंबर्स, किसी भी नंबर का पावर 0 = 1 होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग आइए एक नंबर लेते हैं a to the power m और यहाँ लिए a to the power n, डिफरेंट ले लिए। तो पावर आपको पता है ऐड होता है और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, n प्लस में है तो न्यूमिनेटर में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो a to the power पहले से है m, a to the power पहले से क्या है यहाँ पे m, और ये n ऊपर गया तो माइनस हो गया, m माइनस n। अब फॉर m = n अगर हम कंसिडर करें, m और n को इक्वल ले लें, तो ये भी हो गया a to the power n और ये डिनोमिनेटर पहले से ही a to the power n था, तो a to the power n सेम नंबर हो गया। तो इसको कैंसिल करने से = 1 आ रहा है इधर, राइट। और अगर इस मेथड को हम RHS में अगर लगाएं तो m - n, तो m और n इक्वल है तो m और n का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, तो इधर आ गया a to the power n - n 0। तो लेफ्ट साइड में देखिए 1 आया और राइट साइड में क्या आ गया, a to the power 0, यानी a to the power 0 = क्या आया, 1, a to the power 0 1। अब a का किसी भी वैल्यू के लिए करेंगे तो यही आएगा। जैसे 3 के लिए आइए चेक करते हैं, 3 to the power हम कुछ नंबर अपने मन से ले लेते हैं, 3 to the power 4, और नीचे में भी लिख दिए 3 to the power 4 ही, तो इसको राइट साइड में क्या लिखेंगे, 3 to the power 4 - 4, तो 3 to the power 0 आया इधर, और इस साइड में 3 to the power 4 और 3 to the power 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। सेम नंबर को 4 by 4 1 होता है, 3 by 3 1 होगा, किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए 3 to the power 0 भी किसके इक्वल आ गया, 1 के, इसीलिए एनी नंबर 2 the power 0 = 1 होता है।